ये वैरायटी मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल दिल्ली में मिल जाता है, ये कागजी नींबू है और ये बारहमासी है, सारे टाइम फल देता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत जूसी और खट्टा है। अच्छा। ये हमने अभी रिसेंटली यूज करे, इसमें इतना बड़ा बड़ा हो जाता है और येलोइश हो जाता है, टेनिस बॉल के साइज के जितने बड़े भी कई बार हो जाते हैं। इसकी तो स्किन इतनी अच्छी हो जाती है कि मेरी मॉम इसकी स्किन भी खा जाती है। ये की लाइम वाला है और बहुत जूसी होता है, लाइक विंटर्स में तो प्रॉपर येलो कलर का बहुत सुंदर होता है। तो मैं इससे इसका मैं कस्टर्ड बनाती हूँ एक। okay. तो बिकॉज खाना बनाने का शौक है तो खाना उगाने का भी शौक है। okay. आपके ऊपर है कि अगर आपको लेमन प्लांट पसंद है तो उसके साथ पेशेंट रहिए। लोगों को होता है कि फल अभी चाहिए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ओके, देन दिस इज माय गोंदोराज। इसकी पत्ती मैं चावल में बहुत डालती हूँ व्हेन आई वांट टू मेक लेमन राइस। दिस इज अ कॉकटेल लेमन। ये मैं पहली बार इस पेड़ मतलब 15 या 20 फीट बड़ा चौड़ा पेड़ है जिसमें अच्छा। इतना फल आता है, उसको चाहिए कि इनको पानी मिलता रहे, बट एट द सेम टाइम इनको गीला रखना अच्छी बात नहीं है। तो ये जो आप लेमन के प्लांट्स देख रहे हैं, लगभग 7 डिफरेंट वैरायटी सिर्फ लेमन को लेके है। वो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, कौन से लेमन का क्या टेस्ट होता है, कितनी फ्रूटिंग होती है, केयर क्या है, क्या डालेंगे तो ये प्लांट बिल्कुल आपको फ्रूटिंग डबल कर देगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो आज मेरे साथ होने वाली हैं किशी अरोड़ा जी, तो उनसे हम बात करेंगे डिटेल में कि लेमन के लिए केयर के लिए क्या ज़रूरी है, कौन से खाद, कौन से फर्टिलाइजर्स, क्या केयर चाहिए, कौन से वैरायटी लोगों को बाय करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। मैडम का जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, वो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा और उनको फॉलो कर सकते हैं। डिटेल गार्डनिंग के बारे में या फिर आप कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं, खाने पीने में इंटरेस्टेड हैं, तब भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, बात करते हैं मैम से। तो आज मेरे साथ होने वाली हैं किशी अरोड़ा जी, जो कि रहती हैं प्रीत विहार में और लेमन के ढेरों प्लांट्स लगा रखे हैं। तो इसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है और डिटेल में हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, क्या केयर है, सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैडम मेरे साथ है, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच अनीश। तो मैम इतने सारे आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, उस स्टार्ट करने से पहले आप अपना एक बार अपने बारे में दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए, कौन है आप? मेरा नाम किशी अरोड़ा है और मैं एक पेस्ट्री शेफ हूँ। अच्छा। और फूड कंसल्टेंट, तो मैं लोगों को हेल्प करती हूँ उनके रेस्टोरेंट्स कैफेज सेटअप करने में। हाँ। उनके लिए मेन्यू डेवलपमेंट, रेसिपी डेवलपमेंट एंड पेस्ट्री शेफ प्रोफेशनली है, पर मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। okay. तो बिकॉज खाना बनाने का शौक है तो खाना उगाने का भी शौक है। एंड आई ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट बोथ द थिंग्स, लाइक बेकिंग में भी यूज करती हूँ और कुकिंग में भी यूज करती हूँ। सो ये मेरे लेमन प्लांट्स हैं एंड बहुत टाइम से मैं इनका ध्यान रख रही हूँ, दे आर लाइक माई बेबीज, आई हैव 7 वेराइटीज ऑफ देम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वेराइटी से। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द वेराइटी, ये आपके ऊपर है कि अगर आपको लेमन प्लांट पसंद है तो उसके साथ पेशेंट रहिए। लोगों को होता है कि फल अभी चाहिए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। थोड़ा केयर एंड एक्लिमेटाइज होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं, थोड़ा हाव भाव ठीक हो जाता है, दैट्स व्हेन दे स्टार्ट फ्रूटिंग एंड इफ यू टेक केयर ऑफ देम दे विल टेक केयर ऑफ यू। सो दिस इज वन थिंग आई रियली वांट टू टेल एनी प्लांट लवर, डोंट गेट इंपेशेंट विद इट, बी वेरी काम एंड द प्लांट्स विल रिएक्ट टू योर लव। तो मैम का अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको प्लांट केयर के बारे में भी आपको जानने के लिए मिलेगा और आपको खाने के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के बारे में भी आपको मालूम चलेगा। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। खाना, बेकिंग, व्हेनेवर आई ट्रैवल, वहाँ पे पौधे, सब जगह पौधे तो दिखेंगे हमेशा। इंस्टाग्राम हैंडल का नाम क्या है? सो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है किशी अरोड़ा और मेरी मदर का है मामा के ट्रीट्स। okay. जहाँ पे आपको बहुत सारी सिंपल घर की रेसिपीज जो मदर्स बनाती हैं वो मिलेंगी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो लेमन ग्रास है यहाँ पे सबसे पहले, चाय में मेरी मदर पीती हैं और मैं विंटर्स में पीती हूँ, समर्स में नहीं पीती हूँ। लेमन ग्रास, और ये लेमन ग्रास हैज ट्रैवल्ड ऑल द वे टू यूएस, टू नेदरलैंड्स, टू ऑस्ट्रेलिया। मेरे भाई, बहन, मासी सब काट के इसको सुखा के लेके जाते हैं। ओनली दीज टू प्लांट्स से मेरे को इतना मिला है कि मैं उनको देती रहती हूँ। ये कागजी नींबू है, ये कागजी नींबू है। हाँ। ये वैरायटी मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल दिल्ली में मिल जाता है, ये कागजी नींबू है और ये बारहमासी है, सारे टाइम फल देता है। बारहमासी मतलब कि ऑलमोस्ट एवरी मंथ आपको नींबू से मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ऐसा कुछ इसमें नींबू मिलता है और ये एक नई वैरायटी है, मेरी एक दोस्त ने मुझे दी थी, बहुत छोटा प्लांट दिया था, पाकिस्तानी लेमन। बट ये बहुत मतलब मुझे नहीं पता कि इसका
यू नो यहाँ पे क्या नाम है, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत जूसी और खट्टा है। अच्छा। ये हमने अभी रिसेंटली यूज करे इसमें, और इसमें खट्टापन में बात किया जाए जो दिल्ली वाला जो हमारा है उसमें बीज बहुत कम है, इसमें बीज है काफी बीज होते हैं। हाँ, पर ये बहुत अच्छा है। और साइज जो है दिख रहा है, ये साइज इसका डबल होता है या फिर ये साइज और? इससे डबल हो जाता है अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये बड़े हुए हुए हैं। ये देर मोर लाइक जैसे वो पहाड़ी नींबू होते हैं, मुझे लगता है। हाँ, इसका नाम ऐसे होगा, तो साइज ना कुछ कर भी इतना बड़ा बड़ा हो जाता है और येलोइश हो जाता है ना, टेनिस बॉल के साइज के जितने बड़े भी कई बार हो जाते हैं अगर एक दो रखो, अगर बहुत सारे हैं तो थोड़े छोटे रहते हैं। तो ग्रोथ स्लो होती है या फास्ट होती है इसकी? इसकी ग्रोथ स्लो है, ये बहुत फास्ट चलता है, ये मेरा जो कागजी वाला है। ओके, देन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। इसकी तो स्किन इतनी अच्छी हो जाती है कि मेरी मॉम इसकी स्किन भी खा जाती है। ये की लाइम वाला है और बहुत जूसी होता है, लाइक विंटर्स में तो प्रॉपर येलो कलर का बहुत सुंदर होता है। तो मैं इससे इसका मैं कस्टर्ड बनाती हूँ एक, और कई बार यू नो जैसे मैं उसको पाए पे लगा के या केक के ऊपर लगा के करती हूँ। ओके, देन दिस इज माय गोंदोराज। इसकी पत्ती मैं चावल में बहुत डालती हूँ व्हेन आई वांट टू मेक लेमन राइस। ये गंधराज का ये फ्रूटिंग है इसका? हाँ, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। साइज साइज इसका भी ये बड़ा होएगा, अभी बड़ा होएगा ना? हाँ, ये भी बड़ा होएगा। ओके, देन दिस इज अगेन दिस इज अ कॉकटेल लेमन। ये मैं पहली बार इस्तेमाल करूंगी, और अगर इसका फल आएगा, ये मैंने लिया था एक जगह से, सप्तगिरी नर्सरी, वहां से लिया। बाकी इसकी फ्रूटिंग अभी फ्रूटिंग नहीं हुई है इसकी, नहीं। कितना टाइम हो गया ये? ये मेरे को अभी शायद 4 महीने हुए हैं इसको सेटल हो चुका है। हाँ, ये सेटल हो चुका है बिल्कुल। एंड ये मेरा काफिर लाइम जो हम थाई खाने में डालते हैं वो है। ओके, और ये मैंने अपनी दोस्त के यहाँ से कटिंग ली थी, तो वो कटिंग्स सर्वाइव कर गई हैं और ये पौधा बन गया है। ठीक है, और ये पौधा मेरी एक्यूपंक्चरिस्ट ने मुझे दिया था जो पांडिचेरी में, जिसका पेड़ मतलब 15 या 20 फीट बड़ा चौड़ा पेड़ है जिसमें इतना फल आता है। उससे उसने एयर लेयरिंग करके मुझे एक छोटी सी कटिंग दी थी जिससे मुझे बहुत फल मिलता है, और इसका जूस बहुत ही, इन सब में से अगर मेरे से कोई एक बोले तो ये नींबू का जूस सबसे अच्छा है। जैसे नींबू जूस के लिए, जूस के लिए बहुत अच्छा है। लाइक अगर मुझे कभी लेमन कर्ड बनानी है तो मैं ये वाला नींबू का लेमन कर्ड बनाती हूँ, बिकॉज इसका जूस बहुत बढ़िया है। तो इसकी भी फ्रूटिंग आप ले चुकी होंगी पहले भी? ये तो बहुत पुराना हो गया है अब, तो इसकी मैं बहुत फ्रूटिंग ले चुकी हूँ। तो सबसे पुराना इसमें से सबसे पुराना कौन सा है? ये वाला सबसे पुराना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों। कितना पुराना है अगर? ये आई थिंक अराउंड 5 साल पुराना है, नहीं 5 नहीं, ये 7 साल पुराना है। एक्यूपंक्चर ने शुरू दिया था क्योंकि मैंने जब लिया, ये एयर लेड है तो ये ऑलमोस्ट 5 या 6 इंच का था जब मुझे मिला था। ओके, और ये वाला अराउंड 1 फीट का था जब मुझे मिला था, और मैंने उसको बढ़ाती गई हूँ, और मैंने प्रून भी करती रहती हूँ, बिकॉज टेरेस पे हूँ तो मैं बहुत बड़े पेड़ तो कर नहीं सकती, या तो मैं एक नींबू रख के उसको खूब बड़ा करूँ, या फिर मैं बहुत सारे लेमन रखूँ तो मैं वो रखती हूँ। तो और इनमें से सबसे ज्यादा फ्रूटिंग कौन सा करता है प्लांट? पांडिचेरी वाला, ये पांडिचेरी वाला, ये वाला ये सबसे ज्यादा फ्रूटिंग करता है, बिकॉज़ आई थिंक ये यहाँ पे सेटल हो चुका है। ओके, और इनके पीछे बिकॉज़ मुझे बुगनविला बहुत पसंद है, मैं ये रख देती हूँ तो थोड़ा कलर ऐड हो जाता है और ये बहुत सुंदर लगता है देखने में, समर्स में इट इज वेरी वेरी। तो अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, मैं इनकी केयर के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि आपने मतलब इतना सारा लगाया है, तो आपको थोड़ा बहुत लोगों को केयर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। केयर के बारे में, एक तो इनकी जो भी पौधा आप लगाए उसकी सॉइल वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, किसी भी पौधे में पानी ना ही बचे तो अच्छा है, क्योंकि जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। हाँ, तो वो, और इसके अंदर टाइम टू टाइम मैं बटर मिल्क डाल देती हूँ, बिकॉज अच्छा। वो खाद के जैसे काम करता है। ओके, काउ डंग भी डालती हूँ जिससे कि मिट्टी थोड़ी नरम रहे। सो एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, थोड़े दिन पहले मैंने नोटिस करा कि मेरे गोंदोराज का पेड़ में जो मिट्टी थी वो बहुत सख्त हो रही थी। हाँ, सो उसमें मैंने थोड़ी सी काउ डंग वाली खाद डाल दी जिससे वो भूरी हो जाती है, इट बिकम्स मोर पोरस व्हिच इज नाइस, प्लस साथ में फर्टिलाइजर मिल जाता है। ठीक है, पर अब बिकॉज बारिशें आने वाली, मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, बिकॉज सब निकल जाएगा, न्यूट्रिशन नाइट्रोजन मिलेगा बारिश से, अपने आप खुश रहेंगे। ठीक है, एक चीज कि इनकी सॉइल वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। ओके, इनको ओवर वाटर नहीं करना चाहिए नींबुओं को, बिकॉज देखा जाए तो इनमें कांटे हैं, तो इनको थोड़ा ड्राइश स्लैश इनको चाहिए कि इनको पानी मिलता रहे, बट एट द सेम टाइम इनको गीला रखना अच्छी बात नहीं है। मतलब ये अगर आप इनमें डेली भर भर के पानी देते रहेंगे तो वो गलत है। किसी भी पौधे को भर भर के पानी मत दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, नीचे तक रूट्स तक आने दीजिए, फिर दीजिए। जब आपको 2-3 ड्रॉप्स नीचे से गिरना शुरू हो जाए तो आपके को पानी मिल गया है। ओवर वाटरिंग इज वॉट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्लांट्स टू डाई, एंड डेली में हो जाता है, ये मुझसे भी होता है। मैं चाहे गार्डनिंग पिछले 15 साल से कर रही हूँ, पर मेरे से भी ओवर वाटरिंग हो जाती है, बिकॉज मुझे भी लगता है गर्मी है इतनी, दे दो पानी, यू नो कोई बात नहीं। ओवर वाटरिंग से पौधे खराब होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि पॉट सिलेक्शन आप किस बेसिस पे करती हैं? मुझे पसंद तो टेराकोटा है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो पोरस होता है, तो अगर पानी आपने एक्स्ट्रा भी दिया तो गमला पी लेता है, और गमला जब पी लेता है तो क्या होता है, जल्दी से पौधा सूखता नहीं है। सूखता नहीं है, बट
इतने बड़े बड़े टेराकोटा प्लांट्स जो होते हैं ना, हवा वगैरह जब चलती है, तूफान आता है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बाहर से गिर जाते हैं. तो देन इन सब के लिए सीमेंट वर्क्स वेरी वेरी वेल. सो मेरे यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेरेस पे, आई हैव अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. आई हैव द पॉलीकार्बोनेटेड वंस आल्सो. मैंने वो एक यूका है उनसे लिए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं वो भी. और मेरे पास ये सीमेंट वाले भी हैं, मेरे पास टेराकोटा वाले भी हैं, क्ले पॉट वाले भी हैं. और ऐसे जो पुराने ड्रम्स जब यू नो यूज़ होके ख़त्म हो जाएँ तो उनको काट के उनमें भी मैंने लगाए हुए हैं. और फिर मेरे पास ये वाले भी हैं, ग्रो बैग्स भी हैं, ये बैम्बू के बने हुए हैं ग्रो बैग्स. सो आई हैव अ वेराइटी ऑफ प्लांटर्स यू नो. ओके. एंड आई ट्राई एंड यूज एंड यू नो दैट वे वो फिट हो जाते हैं जहाँ पे जिस जगह में रखना है. लेमन्स के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर आपको कौन सा रिकमेंड करेंगे? मैं बटर मिल्क देती हूँ. बोन मील अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा बोन मील डाल दें. साल में मैं दो बारी खाद डालती हूँ. दो बार? हाँ, जैसे नॉर्मल होता है. सितंबर में और मार्च में. सितंबर और मार्च में. तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर पसंद आया, यहाँ तक देख लिया, तो एक लाइक करना बनता है. लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है. सब्सक्राइब करके जाइएगा. बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. नमस्कार.